मेरा नाम शाहिदा बेगम है, मैं उमर अकरम शहीद की वालदा हूँ। उमर 1 फरवरी 2011 बरोज़ मंगल तुर्बत में शहीद हुआ। पहले तो ये 55 बलोच रेजिमेंट में था, फिर आर्मी की तरफ से ही ISI में चला गया और ISI के उसमें ही ये शहीद हुआ था दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए। आम जिंदगी में बहुत अच्छा जोशीला था, अपने पे गलत बात बर्दाश्त नहीं करता था, या अपने किसी साथी के साथ भी कोई गलत बात करता था उसे भी ये बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन हमारा बहुत ताबेदार था, हर बात सर झुका के सुन लेता था। इनके अब्बू की तबीयत सख्त थी, लेकिन वो कभी आगे से अपनी सफाई में नहीं कहता था कि अब्बू मैंने ये काम ऐसे नहीं किया, जो वो डांट देते थे खामोशी से सुनता था। खुद अपनी मर्जी से ही आर्मी में चला गया। जब इसने कारगिल की जंग का ड्रामा देखा तो उसी से मुतासर हुआ और हमें बताए बगैर ये क्वेटा चला गया। जब शाम को आया तो आते ही मुझे कहता है, माँ आपका बेटा सिपाही बन गया। इजहार मेरे साथ नहीं करता था, लेकिन इसमें जज्बा था। रोज़ाना छोटी बहन को फ़ोन करके कहता था कि आज मुकाबला हुआ, तेरा भाई शहीद तो नहीं, शहादत तो नहीं पा सका, लेकिन गाजी बन के लौटा है, बस मेरे लिए दुआ किया करो कि मुझे अल्लाह पाक शहादत का दर्जा दे दे। 15 दिन हुए थे इसकी शादी को, 6 माह की छुट्टी आया था, 15 दिन हुए थे तो उन्होंने बुला लिया था, यानी महीने के बाद वापस चला गया और 15 दिन के बाद शहीद हो के आ गया था। पैगाम यही है कि हमारे जवानों को चाहिए कि वो इस जज्बे से घबरा जाते हैं कि आर्मी में मौत लिखी है, लेकिन मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो जब भी इंसान को आनी है आ ही जाती है। तो बच्चों को इस चीज़ से डर के आर्मी से नहीं भागना चाहिए, आर्मी में ज़रूर हिस्सा लें और अपने कौम और वतन के लिए इस जज्बे को दिल में रख के कि हमने अपने वतन को बचाना है, तो वो ज़रूर आर्मी में जाए और बहादुरी के जौहर दिखाएं, क्योंकि हमारी कौम बहुत बहादुर है। बजाय इसके कि उनकी बहादुरी ज़ाया हो किसी और तरह, तो वो मुल्क के लिए अपने बहादुरी के जौहर दिखाएं।